हे हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि मेरे वीडियो क्यों कम आ रहे। चलिए मैं आज बता ही देती हूँ कि मैं एक रियलिटी शो जो कि डांस दीवाने में पार्टिसिपेट ली हूँ। मैं यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए आई थी और मैं सिलेक्ट भी हो गई फर्स्ट राउंड में। और फिर उसके बाद अभी ये जो कोरियोग्राफर राउंड है जो आज हुआ है, एक हफ्ते के बाद। मैं एक हफ्ते से रिहर्सल के लिए आती थी। ये गोरेगांव फिल्मिस्तान स्टूडियो है ना, जो देख रहे आप मेरे, ये जेल का नज़ारा, ये मैंने फर्स्ट टाइम ये स्टूडियो देखा है और बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे डांस इंडिया डांस का ऑडिशन चल रहा था और मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गई फर्स्ट राउंड पे। और आज जो है एक हफ्ते के बाद कोरियोग्राफर राउंड था, जहाँ पे सबको डांस दिया कोरियोग्राफर ने और वो करना था। लेकिन पता नहीं, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, पता नहीं क्या होगा। तो मैं आप लोगों को कब से बता रही हूँ कि एक सीक्रेट है। तो ये सीक्रेट था जो कि मैंने आप लोगों से छुपाया था। लेकिन अभी पता नहीं, जो कोरियोग्राफर राउंड था ना, अभी इसमें से हम लोग को चुनेंगे। 50 लोग थे और उसमें से अभी हम लोग को 25 जन को चुनेंगे। अब पता नहीं उनमें से मैं हूँ कि नहीं, और समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। बट आगे अभी आज पता चलेगा कि किन किन को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको सिलेक्ट किया है, मेहनत बहुत की है, यहाँ बहुत मेहनत है, लेकिन मैं अपना बेस्ट दी हूँ, देखते क्या होता है। मेरा फर्स्ट रियलिटी शो है ये, प्लीज़ आप देख लीजिए और बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। चलो मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ फिल्मिस्तान स्टूडियो। मैं कभी सोचा भी नहीं था मैं यहाँ पे आऊँगी। सो गाइज, ये है फिल्मिस्तान स्टूडियो, और जब हम लोग मूवी में देखते जेल जेल, तो ये है वो जेल। यहाँ पे देखो कैसा है ये जेल, सॉरी यहाँ पे बाथरूम में। और ये है, जब हम बोलते ना कि ये जेल का दिखाते, तो ये है जेल। नाइस ना, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टूडियो, बहुत बड़े बड़े, बाप रे बाप। ये जेल का जो हम लोग देखते ना मूवी में, तो ये नकली जेल है। ये देखो, ये छोटा सा मंदिर है। और भी यहाँ पे कुछ देखने के लिए है, बहुत कुछ देखने के लिए है, लेकिन मेरा जो काम था मैं वही कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे मतलब टाइम ही नहीं, मतलब पूरा दिन। देखा ना आपने, मेरे वीडियोस भी बहुत कम आ रहे थे, लेकिन अभी से आज जो रिजल्ट है वो देखेंगे और फिर पता नहीं क्या होगा। और माधुरी दीक्षित ने भी बहुत अच्छे मुझे कमेंट्स दिए, सुनील शेट्टी जी ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। मैंने सामने से उन लोगों को देखा और माधुरी दीक्षित ने मुझे पहचाना, क्योंकि उन्होंने मुझे फॉलो किया है ना इंस्टा पे, तो बहुत अच्छा लगा, अच्छे कमेंट्स आए। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। बहुत मेहनत है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत। ऐसे ही लोग आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। ये देखो मेरे पीछे ये जेल दिख रहा है। यहाँ पे उस दिन जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो शूट हुआ था, बट आज कुछ भी नहीं है। आज हम लोग का कोरियोग्राफर राउंड था और आज इनमें से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं आगे बताऊँगी क्या है कैसा है, मुझे कुछ भी नहीं। सो गाइज, देखिए ये रिहर्सल हॉल है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही बड़ा है, हमें अलग अलग रोज अलग अलग हॉल में भेजते हैं, और ये हमारा रिहर्सल हॉल है, बहुत बड़ा है, देखिए। हाँ, यहाँ रोज मैं प्रैक्टिस करती थी, लेकिन वो पता नहीं क्या होगा। अभी बाकी के लोग नाश्ता करने गए, यहाँ पे टाइम पे खाना, टाइम पे नाश्ता, सब कुछ टाइम पे रहता है, पता नहीं क्या हो रहा है। बस आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए। अभी थोड़ी देर में सब लोग आएंगे, मैं जल्दी आ गई, चलो आगे बताती हूँ।